वियोगी हरि का जीवन परिचय। वियोगी हरि का जन्म सन 1895 ईस्वी में छतरपुर मध्य प्रदेश में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1988 ईस्वी में हुई थी। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका पालन पोषण एवं शिक्षा ननिहाल में घर पर ही हुई। शिक्षा आदि के कार्य में वियोगी हरि प्रारंभ से ही मेधावी रहे थे। इनकी हिंदी और संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा इन्होंने 1915 में छतरपुर के हाई स्कूल से उत्तीर्ण की। किशोरावस्था से ही दर्शन शास्त्र में विशेष अभिरुचि थी। छतरपुर की महारानी कमल कुमारी युगल प्रिया के स्नेह सिक्त संपर्क से उनके साथ भारत के प्रसिद्ध तीर्थों का इन्होंने भ्रमण किया। वियोगी हरि प्रसिद्ध गांधीवादी एवं हिंदी के साहित्यकार थे। ये आधुनिक ब्रजभाषा के प्रमुख कवि, हिंदी के सफल गद्यकार तथा समाज सेवी संत थे। वीर सतसई पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। उन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन, प्राचीन कविताओं का संग्रह तथा संतों की वाणियों का संकलन किया। कविता, नाटक, गद्य, गीत, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी हैं। वे लगभग 40 वर्षों तक हिंदी साहित्य की सक्रिय सेवा करते रहे। वे हरिजन सेवक संघ, गांधी स्मारक निधि तथा भूदान आंदोलन में सक्रिय रहे। इनकी रचनाएं, एक साहित्य विहार, दो ब्रज माधुरी सार, तीन कवि कीर्तन, चार भावना, पांच प्रार्थना, छह विश्वधर्म, सात प्रेमांजलि, आठ गांधी जी का आदर्श, नौ मंदिर प्रवेश, दस दादू आदि है।